अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आलू के स्नैक बना रही हूँ और आपको रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। देखें तो मैंने आलू छील के पानी में डाल लिए हैं और इस तरह के मैं चिप्स काट लूँगी इससे। ये देखें, आपके पास इस तरह का हो चिप्स है तो उससे ये देखें इतने बारीक होने चाहिए। तो इसी तरह मैं सारे चिप्स काट लूंगी और दिखाती हूँ आपको। तो देखें, मैंने सारे चिप्स काट लिए हैं इस तरह से। मैं इन्हें दो बार और पानी में धोऊंगी। पहले हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद मैंने इसे छन्नी में डाल दिया था और मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिस पर मैं इन्हें फैला लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा पानी इनका ख़त्म हो जाए कपड़े पे। आप नैपकिन भी ले सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे इन्हें फैला लूँगी जिससे कि सारा पानी कपड़े पर आ जाए। और दिखाती हूँ आप। तो देखिए, मैंने सारे चिप्स फैला लिए हैं कॉटन के कपड़े पर और एक कॉटन के कपड़े से मैंने ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा उन्हें साफ़ कर दिया है। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डाल दूंगी। इस तरह से आप क्या करते हैं, हम दो तीन चिप्स उठाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरह से कर देंगे पहले। तो देखिए, दो तीन चिप्स मैं इस तरह से उठा लूंगी और इन्हें ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से करना है आपको। दो पीस भी ले सकते हैं, तीन भी। सारे इसी तरह से हम लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तेल हमने अपना पकने के लिए रख दिया है। इस तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी, तैयार करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने सारे बना के एकदम तैयार कर लिए हैं इस तरह से। सारे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं और अब ये ऑयल में जाने के लिए तैयार हैं। ऑयल हमने पहले से ही गर्म करके रखा है। छोटे पीस हमने अंदर लगा दिए और बड़े पीस ऊपर। बहुत ही आसानी से बन गए, एक भी वेस्ट नहीं गया हमारा। तो देखिए, दो सेकंड में ही कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। इसमें अच्छा सा कलर आने तक इन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। कुछ ही सेकंड में इन पर कलर आना शुरू हो जाता है और कलर आने तक आप इनको फ्राई करें और निकाल लें जल्दी से इस तरह से। तो देखिए, मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। बढ़िया सा कलर आने तक इन्हें मैंने फ्राई करे हैं। बहुत ही करारे हो गए हैं ये और इसमें से ये भी आसानी से निकल जाएगी। ये देखें, तो देखिए सारे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और दो मैंने सॉस भी मेयोनीज रखी है, सॉस रखी है और हल्का सा मैं इस पर नमक ऐड करूँगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे भी बताएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार।